जो जीजा जी कहेंगे मैं वही करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यह फेमस डायलॉग उसी फिल्म का है जिस फिल्म के बारे में आप सोच रहे हैं, और यह फिल्म है बंधन, जो साल 1998 में बड़े पर्दे पर प्रसारित की गई थी। इस फिल्म में हमें जबरदस्त मेलोड्रामा और लाजवाब क्लाइमेक्स देखने को मिला था। इस फिल्म की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग थी उतनी ही फिल्म के गाने भी मज़ेदार थे। इसी के चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म के बारे में नहीं बल्कि फिल्म में अभिनय करके प्रसिद्धि हासिल करने वाले कलाकारों के रियल लाइफ पार्टनर से रूबरू करवाने वाले हैं, जो इन्हीं की तरह अपनी फील्ड में काफ़ी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार और उनके रियल लाइफ पार्टनर्स। नंबर 5, मुकेश ऋषि। इस फिल्म में गजेंद्र एक ऐसा किरदार था जिसने अपनी धाकड़ खलनायकी से सभी को चौंका कर रख दिया था, और इस किरदार को निभाया था बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मुकेश ऋषि ने। इन्होंने इस किरदार को निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की थी। अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम केशनी ऋषि है, जिनसे इन्होंने काफ़ी सालों पहले शादी की थी, और आज इस शादी से इनका एक बेटा भी है। आपको बता दें, केशनी घर पर रहकर अपने परिवार का पूरा ध्यान रखती हैं और हमेशा लैम्पलाइट से दूरियां बनाकर रखती हैं। नंबर 4, अश्विनी भावे। इस फिल्म में एक्ट्रेस अश्विनी भावे पूजा का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, जो कि एक साइड रोल था। इस फिल्म में इनके काफ़ी सिंपल अंदाज को दिखाया गया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अगर बात करें इसे बेहतरीन अभिनेत्री के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम किशोर वो पर्दिकर है, जिनके साथ इन्होंने काफ़ी सालों पहले शादी की थी। और आपको बता दें, किशोर प्रोफेशन से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में काफ़ी सफलता हासिल की है। नंबर 3, जैकी श्रॉफ। इस फिल्म में ठाकुर सूरज प्रताप का किरदार निभाया था अभिनेता जैकी श्रॉफ ने, जिन्होंने फिल्म में एक एंग्री यंग मैन के रूप में देखा गया था। इन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया था और दर्शकों से काफ़ी तारीफें भी बटोरी थी। अगर बात करें इस टैलेंटेड अभिनेता की पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम आयशा श्रॉफ है, जिनके साथ इन्होंने साल 1987 में शादी की थी। आपको बता दें, आयशा प्रोफेशन से फिल्मी दुनिया की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। नंबर 2, सलमान खान। इस फिल्म में एक्टर सलमान खान एज अ लीड एक्टर राजू का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जो अपनी बड़ी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसका पूरा ख्याल रखता है। इस किरदार को इन्होंने बड़े पर्दे पर इस कदर पेश किया कि सभी इनके दीवाने हो गए थे। अगर बात करें इस मल्टी टैलेंटेड एक्टर की पत्नी के बारे में, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और इनका शादी करने का कोई इरादा भी नहीं लगता है, लेकिन कई बार इनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जा चुका है। नंबर 1, रंभा। इस फिल्म में ज्योति का किरदार एक्ट्रेस रंभा ने निभाया था, जो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री होती हैं और राजू से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। इन्होंने अपनी प्रेमिका के किरदार से सभी को अपना दीवाना बना लिया था और काफ़ी फेमस हो गई थी। अगर बात करें इस दिलकश अदाकारा के पति के बारे में, तो इनके पति का नाम इंद्र कुमार पद्मनाथन है, जिनके साथ इन्होंने साल 2010 में शादी के बंधन में बंधी थी। आपको बता दें, इंदर प्रोफेशन से एक कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन है, जो कि काफ़ी फेमस हैं। तो दोस्तों, आपको फिल्म बंधन के इन सुपरस्टार में से सबसे अच्छी एक्टिंग किस कलाकार की लगी, हमें उसका नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।